इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ब्याह बाबा को लगे समारन सकल सुरवाहन विविध विमान। क्यों दूल्हा कपड़ा नहीं पहन रहा है, बराती पहन रहे हैं। हो ही सगुन मंगल सुभद कर ही अपचरा। सारे बराती बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनन लगे। दूल्हा महाराज अपने घरे कैलाश पर बैठे हैं। तब गणों ने कहा बाबा हिमाचल प्रदेश चलना है, कुछ हम लोग सजा दें। तब ना करो, हो करो। अरे का करो, कुछ कपड़ा रहेगा तब ना करो। जो था गण लोग लगे वह सजाने। शिव ही शंभू घन कर रही श्रृंगार। सहज श्रृंगार किया, जटाएं बिखर गई थी कामधन के समय, उठाकर सिर पर मुकुट बांध दिया। जटा मुकुट छोटे छोटे सर्पों का मौर बना करके पिना दिया। सिर ऊपर पूछ नीचे, सहरा लटका है दूल्हे के चेहरे पर। कान में कुंडल सर्प का, बाह में बाजूबंद, कर में कंकड़ बासुकी का जनेऊ बनाया, कंबल अश्वतर, अरे शंख और पद्म, जो जहां उपस्थित उसको वहां व्यवस्थित। चंद्रमा ललाट में, विष कंठ में, सभी श्रृंगार का अपना अलग अलग गुणगान है, महिमा है। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति अकारण कुछ नहीं सजाता बजाता, और अकारण तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। त्रिशूल एक हाथ में, डमरू एक हाथ, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से जीव को छुड़ाने वाला यह त्रिशूल, और ज्ञान कोश प्रदान करने वाला आचार्य श्री पाणिनी जी को डमरू। धर्म के प्रतीक नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले चले, चढ़ी दूल्हे का स्वरूप देखकर देवांगनाएं मुस्कुराती हैं और कहती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी। अरे आप देखिए, सभी शिव भक्तों से मेरी प्रार्थना है, थोड़ा मीठा करो। अभी मैं गांव गया था 3 महीने पूर्व,
हमारा गांव जहाँ है दरवाजे पर एक पोखरी है, छोटी सी पोखरी है। घर के अंदर से एक नाग देवता निकले, चले जा रहे थे, मैं सो रहा था, आवाज हुई तो मैं उठा तो दो लोग डंडा ढूंढ रहे थे। हमारे पूज्य दादाजी ने द्वार पर आंवले का वृक्ष लगा रखा है, पूज्य पिताजी माँ जी वहाँ शिव जी की बटिया रखे, नर्मदेश्वर भगवान। जो डंडा ढूंढ रहे थे वो नित्य शिव जी को जल चढ़ाते, वो जा रहे थे तो जो भगत जी थे बोले, अरे मारा हो। हमने कहा मरिया मत, काहे, नित्य ओम नमः शिवाय और शाम मिले तो डंडा मराए। ई भक्ति किस प्रकार की है? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, और घर में चूहादानी। आप ही बताओ, घर में यदि चूहा नहीं रहेंगे तो गणेश जी आएंगे किस पर? कितने मूढ़ हैं हम भगत लोग। और लड्डू चढ़ेगा 2 किलो, बस चूहा न दिखाई पड़े। मैं पूछता हूं, यदि चूहा नहीं रहेगा तो गणेश जी कैसे आएंगे? और नाग देवता न रहेंगे तो शिव जी के एक गले में अलंकार कहां से होगा? हम भगत नहीं हैं, हम छली हैं, अपने को छलते हैं। सांप दिखे तो लाठी से कुचर दो, लोढ़ा से मारो गिरा गिरा, इसे आदमी मारा जा रहा है। जन्म किएगा सर्प से भी अधिक जहरीला नहीं कहूंगा, समझ जाइए। सर्प तो आदमी देख के भागता है, लेकिन आदमी, अरे भैया भैया, घरे में रह के डस देता है। हो कम से कम जो सावन में जल चढ़ावत हैं वही तो नाग देवता को प्रणाम करें। आस्तिक मुनि की जय हो, जय हो। गए काल भी नहीं काट सकता है। हो अहि मोर समारा विश्व कंठ में हरिनाम के भरोसे देवांगनाएं हंसती हैं। भगवान विष्णु विनोद किए, दिग्पालों को बुलाकर कहे अपने अपने समाज को लेकर चलो, दूल्हे का समाज आवे। दिग्पाल लोग आगे आगे बढ़े, बाबा का समाज। अरे भृंगी को बुलाकर भगवान शिव ने कहा, पुकारिए सबको बुलाइए। भृंगी ने जैसे लगाई जोर से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुन सब आई, शिव शंकर जय भोला, पद जल शीश तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाव नाव वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, देह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, हो मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, विष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा अपने समाज को देखकर जोरदार ठहाका लगाए, बिहसे, शिव समाज निज देखा, बाबा गदगद हो गए। क्यों? अरे बाबा का समाज आ गया। अपने समाज को देखकर हर व्यक्ति गदगद हो जाता है।
जैसे कई सत्संग मंडल चलते हैं, कथा में यदि अपने मंडल का कोई आदमी मिलता है तो कितना तबीयत कर गया, बैठा, अरे आओ, वहां सुनाई न पड़ी का, एक अपने समाज का व्यक्ति मिला, बाबा भी हंसे हंसे नहीं, बाबा ने जोरदार ठाका लगाया, बिहसे शिव समाज निज। ध्यान रखिएगा, समाज हर तरह के लोगों का है, सत्संगियों का भी है और कुसंगियों का भी है, तय हमको करना है कि हम कुसंगी हैं अथवा सत्संगी हैं। बाबा तो कहते हैं बराती दिखे सा, गण लोग आए और जैसा समाज बाबा कैसा, तनखी न को अति पी न पावन को अपावन गति है भूषण करार कपाल सर सब सत्य सो नित गण एक खर स्वान सुवर शिकार मुख गण वेश अगणित को गण बहुती नस प्रेत पिशाच रोगी जमात बरनत ले हाँ जमात बरनत ले दुबला पतला मोटा अस्थि पहने रुधिर लपेटे खप्पर लिए दौड़ रहे हैं, मुंह सबके एक जैसे हैं, मैं आपको कई बार सुनाया हूं, खर स्वान सुवर शिकाल लंबे मुख और सब अपने में मगन हैं, जैसे आजकल ब्याह शादी में सब लोग मगन हैं, किसको कौन संभाले भैया, कहीं तो ब्याह शादी में जाने लायक होता है, कहीं कहीं जान के आने लायक नहीं होता और दोबारा जाने लायक नहीं होता। लेकिन देखिए विपरीत समाज के समाज विपरीत है तब भी कितने मगन हैं, नाचेगा वही गीत परम तरंगी हो सब देखत यति बोलहिं बछड़ सब चित्र विचित्र वाग लगा रहे हैं, क्यों आनंद में हो, अरे भूतवा नाचे दई दई सगलो ताल बाबा की बरियात चली भूतवा नाचे जस दूलह तस बनी बराता जस दूलह तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता कौतुक विविध हो ही मग जाता सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल की बरियात चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल नगर निकट बरात सुने आई नगर निकट बरात सुने आई पुर घर भरु शोभाय दिखाई पुर घर भरु शोभाय दिखाई करी बनाव सजी वाहन नाना करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सागर भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली देखे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात। बाबा ने एक बड़ी विशेष लीला यहां बनाई, भूत प्रेत अपने समाज को नित्य आनंद में देखकर बाबा ने देवताओं के समाज को आगे जाने दिया। क्यों, देवताओं के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, ये तो बस यही चाहते थे कैसो ब्याह हो तो तारकासुर मरे, इतना स्वार्थ है बस। कई लोगों का स्वभाव होता है बर मरे चाहे कन्या हमारा दक्षिणा पकड़ाओ, कोई मतलब नहीं, हमने जो कराना था करा दिया,
देवता भी बड़े विचित्र हैं साहब, भगवान रक्षा करे। आहा इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।